हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी द न्यू अवतार। सो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश कुमार यादव। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत इंडिपेंडेंट हाउस प्लान लेके आया हूं। सो फ्रेंड्स, ये जो इंडिपेंडेंट हाउस है ये फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आप सबको बता देना चाहता हूँ कि ये जो कोठी है वो 150 गज की कोठी है और बहुत ही प्राइम लोकेशन में है। फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो इसका जो लोकेशन है वो ओल्ड अम्बाला रोड MS इनक्लेव ढकोली के अंदर जो है ये इंडिपेंडेंट एक कोठी है, फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। फ्रेंड्स, ये 150 गज की कोठी है, कॉर्नर की कोठी है और ये डबल स्टोरी कोठी है। फ्रेंड्स, इस जो कोठी का जो लेआउट है फ्रेंड्स, ये 2 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे है और 2 बेडरूम सेट जो है आपका फर्स्ट फ्लोर पे है। तो अभी मैं आपको ग्राउंड फ्लोर दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, एंटर करते ही ड्राइंग रूम आ जाता है और ड्राइंग रूम के साथ ही आपको एक अटैच ओपन स्पेस का एक किचन मिलता है, जिसकी अगर मैं वेंटिलेशन की बात करूं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी वेंटिलेशन है, क्रॉस वेंटिलेशन है इसकी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पीछे ये डोर है और इस डोर के पीछे आपको काफ़ी अच्छा ओपन स्पेस मिल जाता है और इस ओपन स्पेस को आप एज ए वॉशिंग तौर पे यूज कर सकते हैं। और किचन हमारा रेडी है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर जो भी जितने भी कैबिनेट्स हैं बने हुए हैं, अच्छे ग्रेनाइट्स का इसमें यूज किया गया है, अच्छे ब्रांड्स के इसमें टाइल्स लगे हैं। सो फ्रेंड्स, मटेरियल से लेके किसी भी तरह के कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है, अच्छा मटेरियल इसमें यूज किया गया है। आप देख सकते हैं किचन के बैक साइड में जो ये ओपन स्पेस है फ्रेंड्स, इस कॉर्नर की वजह से आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाता है। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए बहुत ही अच्छा ये फ्रेंड्स, यहाँ पे सनलाइट और क्रॉस वेंटिलेशन आपको प्रॉपर मिलती रहती है। आप यहाँ पे इतना अच्छा स्पेस है कि आप वॉशिंग एरिया के तौर पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं और वॉशिंग के लिए आपको फ्रंट पे भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया कि ये 2 बेडरूम का प्लान है ग्राउंड फ्लोर पे, तो आपने किचन देख लिया फ्रेंड्स, और किचन के साथ में ही ये हमारा ड्राइंग रूम आ जाता है, जहाँ पे आपका आराम से ड्राइंग एंड डाइनिंग दोनों एडजस्ट हो सकते हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि फॉल सेलिंग LED लाइट, ये सारा कुछ हम आपको कंप्लीट करके दे रहे हैं, AC की फिटिंग भी करके दे रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये हमारा जो है फर्स्ट बेडरूम है। आप बेडरूम का अगर साइज भी आप कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे बेडरूम साइज मिल रहा है फ्रेंड्स, लगभग ये 12x15 का आपका बेडरूम साइज है। और बेडरूम के साथ ही आपको ड्रेसिंग एरिया और प्लस आपको वॉशरूम मिल जा रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कबर्ड्स भी हमारा रेडी है, आपको कबर्ड्स भी बना के दे रहे हैं, साथ में आपको वॉलपेपर भी लगा के दे रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ड्रेसिंग रूम और साथ में ही आपका काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम के अंदर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक विंडो लगी है जो कि सीधा जो किचन के बैक साइड में जो आपका ओपन एरिया है फ्रेंड्स, वहाँ से इसकी वेंटिलेशन के लिए हमने जगह दिया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि आपको वॉशरूम में भी किसी भी प्रकार का कोई एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर इसमें वेंटिलेशन आती है। सो फ्रेंड्स, ये आपने देखा है हमारा फर्स्ट बेडरूम है, मैं आपको ले चलता हूँ अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया गया है फॉल सीलिंग का और LED लाइट भी हम लगा के दिए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको पार्किंग के लिए बहुत ही अच्छा स्पेस मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, मैं ये सेकेंड बेडरूम में आ गया हूँ, आपको मैं एक बार सेकेंड बेडरूम दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। ये आप जो देख रहे हैं साथ में, आपको वॉलपेपर के साथ और कबर्ड्स हमारा रेडी है, ऑलमोस्ट हमारा ये जो कोठी है वो रेडी है। इस रूम के साथ भी आपको एक अटैच वॉशरूम मिल सकता है और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस वॉशरूम के साथ भी आपको वेंटिलेशन की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी फ्रंट बालकनी है ग्राउंड फ्लोर की, उसको हमने वहाँ से एक विंडो दे दिया है, जिसके कारण आपके वॉशरूम में भी रोशनी हमेशा आती रहेगी। अगर लाइट नहीं भी रहती है तो भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 2 बेडरूम का प्लान है और काफ़ी अच्छा स्पेस है, 150 गज का ये कोठी है। तो 150 गज में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा खुला रूम बनता है 2 बेडरूम का, ड्राइंग रूम भी खुला है। आप देख सकते हैं ये जो वॉशरूम था, जैसा कि मैंने बताया कि आपको यहाँ पे भी एक विंडो मिल जाती है जो कि आपका सीधा जो है फ्रंट बालकनी में, उसका जो है वेंटिलेशन के लिए हमने वहाँ पे ग्लास वगैरह लगा दिए हैं, तो उससे भी आपको
किसी भी प्रकार की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक YouTube पे फ्रेंड्स ऐसे ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप एक बारी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, लाइक हो, कोठी हो या कमर्शियल हो, प्लॉट्स हो, ऐसे ही वीडियो मैं डालता रहता हूँ अपने चैनल पर। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपको इसकी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देख लिया ग्राउंड फ्लोर पे किस तरह से बना हुआ है, 2 बेडरूम का लेआउट प्लान है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ले चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि स्टेयर्स के लिए भी हमने यहाँ पे अच्छे ब्रांड्स का जो हमने यहाँ पे ग्रेनाइट यूज किया गया है, आप देख सकते हैं। अगर मैं स्टेयर्स की हाइट की बात करूँ फ्रेंड्स, लंबाई की बात करूँ, तो इसका जो हमने लंबाई वो 3 फीट का जो है हमने रखा हुआ है, तो 3 फीट का स्टेयर्स जो है काफ़ी स्टैंडर्ड माना जाता है। और यहाँ पे भी आपको, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको एक अच्छा स्पेस मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि अब मैं आपको बता दूं, मैं फर्स्ट फ्लोर पे आपको लेके आ गया हूँ। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे सेम लेआउट जैसा कि आपने ग्राउंड फ्लोर पे देखा है, वैसे ही हम आपको फर्स्ट फ्लोर पे बना के दे रहे हैं। सेम कंसेप्ट है, LED लाइट, फॉल सेलिंग, जैसा आप देख रहे हैं हर एक मटेरियल वैसे ही यूज किया गया है इसमें। वैसे ही क्रॉस वेंटिलेशन के लिए हमने पीछे स्पेस दिया है। किचन के साथ भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, और ड्राइंग रूम में भी हमने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, फॉल सेलिंग किया हुआ है। इसमें LED लाइट का भी हमने कनेक्शन दिया हुआ है। और ये जो है हमारा 3rd बेडरूम है फ्रेंड्स, जो कि फ्रंट साइड से आपको यहाँ पर एक फ्रंट में हमने एक बेडरूम और दे दिया है। सो फ्रेंड्स, अभी इसमें थोड़ा सा क्या है कि इस रूम के साथ भी आपको एक अटैच वॉशरूम मिलता है, और यहाँ पे भी हम आपको कबर्ड्स कंप्लीट करके दे रहे हैं, कबर्ड्स लगा के दे रहे हैं, ड्रेसिंग एरिया भी है। और फ्रेंड्स, साइज़ का कोई दिक्कत नहीं इसमें, आपको बहुत ही अच्छा स्पेस, ओपन स्पेस मिल रहा है। 12x15 का आपका बेडरूम का साइज है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, ये हमारा एक लेआउट प्लान था 2BHK का ग्राउंड फ्लोर पे और 2BHK का फर्स्ट फ्लोर पे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।